आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी विंटर स्पेशल मेथी की, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है। ऊपर से इनकी लेयर काफ़ी क्रिस्पी होती है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अपनी विंटर स्पेशल झटपट से बन जाने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साथ ही में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मेथी पूड़ी। तो सबसे पहले हम एक पेस्ट बनाएंगे जिसे हम अपने आटे में ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे एक टमाटर जिसे हमने रफली चॉप्ड करा है, 2 से 3 हरी मिर्ची और आधी छोटी चम्मच अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियां और साथ ही में इसमें नमक डाल देंगे। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और जब ये हल्का सा ग्राइंड हो जाएगा तब इसमें हम धनिया डाल लेंगे और इसे एक बारी फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट रेडी है। तो अब हम लेंगे 1 कप आटा, उसमें ऐड करेंगे 1/4 कप बेसन और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना बनाया हुआ पेस्ट जो कि हमने टमाटर लहसुन अदरक मिर्ची नमक धनिया से बनाया था। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप बारीक फ्रेश कटी हुई मेथी और अब हम अपनी हथेलियों के बीच में आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरीके से क्रश करेंगे और इसमें डाल देंगे। इससे हमारे आटे में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही में ऐड कर देंगे चुटकी भर हींग, स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 बॉईल किए हुए और मैश करे हुए आलू और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बिना पानी डाले इसे इसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। और बस यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें से हल्का पानी डाल के इसका एक डो बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस डो की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे। और जैसे हम पूड़ी के साइज़ जैसे हम पूड़ी बनाते हैं सेम उसी साइज़ की हम अपनी पूड़ी बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पूड़ी रेडी है और साइड में हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो रहा है। तो चलिए अब हमारी पूड़ी बन चुकी है और हमारा ऑयल भी गर्म है। तो अब हम अपने तेल में अपनी पूड़ियों को डाल देंगे और हल्का हल्का इस तरीके से उन्हें प्रेस करेंगे। मीन ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है, हल्का हल्का हम इस तरीके से करेंगे तो हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो अच्छी तरीके से फूल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी पूड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से फूल चुकी हैं। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी दिख रही हैं और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ऊपर से इनकी जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। और मेथी से बनी है तो हेल्दी तो है ही, ये झटपट से बन जाती है। तो आप इन पूड़ियों को ज़रूर ट्राई करना, ये खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।